हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विश्व इतिहास पढ़ने वाले हैं। विश्व इतिहास के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और परिणाम लिखो और नेपोलियन कोड को समझाओ। दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको बहुत अच्छे से करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम जब मेंस में आंसर लिखते हैं तो कैसे लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, तरीका क्या है और सुंदर किस टाइप से लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप बना लेना चाहिए और गोल में कुछ बना लेना चाहिए। जैसे इस टाइप से है तो ऐसे बना लीजिए, या जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ ये ऐसे। इससे क्या है कि आपकी कॉपी बहुत सुंदर दिखने लगती है और आपकी राइटिंग का उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2019 का जो सिलेबस का विश्व इतिहास है। फ्रेंड, मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, जब तक सिलेबस दोबारा से प्रीलिम्स का नहीं दिया जाता है, जब तक फिर से चेंज, सरकार चेंज होने के बाद अभी कोई भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तब तक आप 2019 के मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, 2020 के नहीं। इन केस अगर वही सिलेबस आ जाता है तो फिर आपको परेशानी आ जाएगा, तो इसलिए अभी 2019 के सिलेबस के अनुसार, क्योंकि कुछ ही टॉपिक हैं जो चेंज हुए हैं, बाकी सब सेम है, बस इधर से उधर हो गया है, कोई पेपर उधर उठा के कर दिया है, कोई पेपर इधर, तो आपको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ते रहिए। मेंस में अभी बहुत टाइम है आपके 2020 का, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप तब तक 2019 के जो टॉपिक है उन्हें अच्छे से कर लीजिए, जो कि दोनों में सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों और कारणों की विवेचना करो। फ्रेंड्स, ये मेरे विश्व इतिहास के नोट्स हैं। विश्व इतिहास के नोट्स की जो प्राइस रखी है मैंने, वो 220 रुपीज़ है। ये सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी मंगानी है तो इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस है 480 रुपीज़, तो आपको दोनों ही इसका मिल जाएगा। ये मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, टॉपिक वाइज हैं, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जैसे देखिए, इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है, इसी प्रकार से आपका तैयार गया है। इस टाइप से आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, कम समय में आप लिख देंगे और आपका पेज भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण हैं? तो जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वो केवल फ्रांस का ही नहीं हुआ था, वो फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में प्रभाव डाली थी। तो फ्रांस की क्रांति ने केवल फ्रांस का नहीं बल्कि समस्त यूरोप के जनजीवन को प्रभावित कर दिया था। क्या कारण थे? देखो, फ्रांस में एक निरंकुश राजा बैठा हुआ था, उसके खिलाफ जो जो इन्होंने लड़ाई करी फ्रांस के लोगों ने, उसको हम फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, 1789 में हुई थी। और इसके क्या कारण रहे थे? इसके बहुत सारे कारण, जैसे कि कुछ राजनीतिक कारण भी रहे थे, कुछ सामाजिक कारण भी रहे थे, तो और उसको हम अपने कुछ धार्मिक कारण भी रहे थे, मेनली धार्मिक कारण बहुत था, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो जो वहाँ का राजा था वो दूसरे चर्च, जो इन कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं उनके अलग अलग धर्म होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं ऐसे ही उन लोग के होते हैं, तो वो अलग धर्म को मानता था राजा, और जनता अलग धर्म को मानती थी, जिसके कारण यहाँ पर क्रांति पैदा हुई। तो सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम पहला देखते हैं, सबसे पहले फ्रांस में कैसा था, निरंकुश शासन था, राजा निरंकुश था, अपनी ही ज़्यादा भलाई चाहता था। शासन राजा के देवीय सिद्धांत पर आधारित था। देवीय सिद्धांत का मतलब होता है राजा स्वयं को भगवान समझता था और वो कहता था कि मैं भगवान हूँ, है ना। अब ये निरंकुश शासन और देवीय सिद्धांत पर आधारित कौन सा राजा था? तो लुईस 14 जो था फ्रांस का शासक, वो ऐसा ही था, निरंकुश शासन था और जो देवीय सिद्धांत के आधार पर अपना राज्य चलाता था, मतलब वो मैं हूँ, ये मैं ही राज्य हूँ, इस प्रकार के कथन वो बोलता था। लुईस 14 के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य निकले। लुईस 14 जो अच्छा शासक था लेकिन वो निरंकुश था, तो जनता उससे परेशान थी। अब जब उसके उत्तराधिकारी आए तो उत्तराधिकारी बहुत अयोग्य निकले। देश की प्रशासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट थी, जितना भी प्रशासनिक प्रशासन था वो पूरी तरह से भ्रष्ट था, निरंकुश और निष्क्रिय शासन था। तो ये सभी कारण जो थे वो राजनीतिक कारण हैं फ्रांसीसी क्रांति के। कौन कौन से? कि फ्रांस में निरंकुश शासन था, शासन राजत्व के देवीय सिद्धांत पर आधारित था, लुईस 14 जैसा हमने लिख दिया कि जैसे कि लुईस 14 के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, देश की प्रशासन भी पूरी तरह भ्रष्ट था और निरंकुश और निष्क्रिय शासन था। तो हमने फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम में सबसे पहला लिखा राजनीतिक कारण। अब हम लिखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? सामाजिक कारण ये था कि समाज विषम और बिगड़ित था। बिगड़ित कैसे था?
कि अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। सबसे जो उच्च वर्ग था वो पादरी लोगों का रहता था और कुलीन वर्ग जो रहते थे उनका रहता था, और इनको बहुत विशेष अधिकार दिए जाते थे। और जो थर्ड वर्ग जो रहता था, किसान और गरीब लोग जो रहते थे, उनकी दशा बहुत दयनीय थी और उनसे कर लिए जाते थे। और जो बीच का था मध्यम वर्ग, उसमें व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर आते थे, वो भी इस चीज़ से आक्रोशित थे कि जो पादरी वगैरह है उनको विशेष अधिकार क्यों दिया जाता है। तो सामाजिक कारण में क्या हो जाएगा, सबसे पहला समाज विषम था और विघटित था, विशेष अधिकार सामंत और पादरी के पास थे, और जो विशेष अधिकार विहीन वर्ग थे वो साधारण जनता थी, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। मध्यम वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर थे जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित रहते थे क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। तीसरा हम लिखते हैं आर्थिक परिस्थितियाँ। अभी हमने सामाजिक कारण लिखे कि क्रांति क्यों हुई, और फिर हमने राजनीतिक कारण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ आर्थिक, मतलब कुछ अर्थ से संबंधित, पैसों से संबंधित कुछ परेशानियाँ थी वहाँ पे। तो क्या परेशानी थी, सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था वहाँ संकट ग्रस्त थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थ आने का, पैसा आने का कोई भी कोई जरिया नहीं था, क्योंकि गरीब किसान देते थे उन पे भी उतनी आय नहीं होती थी। राज्य दिवालियापन की कगार पर हो गया था, मतलब राज्य जो था पूरी तरह से आर्थिक जो उसकी स्थिति है पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, उनके पास पैसा नहीं था। राजा जो क्या करता था, राजा अपने युद्धों में जाता था और वहाँ पे सेना ले जाता था, वो वहाँ पे बहुत पैसा खर्चा करता था और फिजूल खर्ची भी बहुत करता था, जिससे कि राजा का राजकोष जो है वो खाली हो गया था। अब जब राजकोष खाली हो गया तो राजा को ऋण लेना पड़ा, जिससे राजा ऋण के बोझ तले दब गया था। राज्य की जो कर नीति थी वो भी दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण कैसी थी कि हर वर्ग से कर नहीं लिया जाता था, गरीब वर्ग उससे कर लिया जाता था, जिससे वहाँ पे पैसा नहीं बन पाता था। और इसकी वाणिज्य नीति भी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी। तो ये हमने मतलब व्यापार जो व्यवस्था है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी। ये हमने पढ़ी आर्थिक परिस्थिति। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दार्शनिकों की भूमिका, मतलब अभी हमने कौन कौन से कारण रहे थे। तो एक कारण फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिक भी रहा। क्यों रहा, जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आज़ादी में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों का भूमिका रही थी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में, लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही फ्रांस की क्रांति में था कि वहाँ के जो दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू जिसने पृथक शक्ति पृथककरण का सिद्धांत दिया, वोल्टेयर है, रूसो है, रूसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, तो ये जो विचारक थे इन्होंने वहाँ की जनता को जागरूक किया, फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की लोगों के सामने। अब जब लोगों के सामने उन्होंने, इन दार्शनिकों ने आगे आके राजा की बुराई की, बताया कि हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो क्रांति में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभाई, नहीं तो लोग निष्क्रिय रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या सही है गलत। इन दार्शनिकों ने उन्हें आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। तो फ्रेंड हमने कारणों में क्या पढ़ा कि राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, और वो दार्शनिकों की भूमिका। देखिए हमने कितने सुंदर तरीके से लिख दिया है, बाकायदा फ्लो चार्ट भी है, हेडिंग भी है और सब है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसके परिणाम क्या हुए। परिणाम क्या हुए फ्रांसीसी क्रांति के, सामंतवाद की समाप्ति हुई, किसी को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्य प्रतिष्ठित हुआ, मतलब जनता में ही सर्वहित होगा, साम्राज्यवादी विस्तार को रोका, जो राजा अपने जनता के पैसों से साम्राज्य का विस्तार कर रहा था वो रोका गया, धर्मनिरपेक्षता का प्रसार हुआ, मतलब सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया, सैन्यवाद का विकास, सैन्यवाद का मतलब विकास हुआ, मतलब सेना को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई, सेना को भी, सेना में भी वृद्धि की गई, मतलब सेना की जो आर्थिक स्थिति है उनमें को भी सुधार किया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का प्रसार, ये यहाँ का फ्रांस की क्रांति का नारा भी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब सभी लोग स्वतंत्रता से रहें, समानता के साथ रहें, सभी में भाईचारे की भावना हो, जन जन में राष्ट्र भावना फैलाई, दार्शनिकों के माध्यम से हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भावना फैलाई कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त किया, और समाजवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा नेपोलियन कोट। फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं विश्व इतिहास के, जिनकी बुकिंग चालू हो गई है, आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग अमाउंट 220 रुपीज़ है, और आप इसको बुकिंग कर सकते हैं, बाद में इसका चार्ज बढ़ जाता है जैसा कि एज यूजल हमेशा का ही रहता है, जो स्टार्टिंग में कर देता है पेमेंट उसको कम में ही मिलता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, नेपोलियन कोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो नेपोलियन कोर्ट जो फ्रांस में नेपोलियन ने जो निरंकुश जो सत्ता थी उसको हटा के ये सत्तारूढ़ हुआ था। इन्होंने सत्तारूढ़ होते ही एक नेपोलियन कोर्ट चलाया था। तो नेपोलियन कोर्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था विधि संहिता का निर्माण। नेपोलियन कोर्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? विधि संहिता का निर्माण नेपोलियन कोर्ट का प्रमुख काम था। वस्तुतः क्रांति के पहले फ्रांस की कानून व्यवस्था छिन्नविन थी। इस प्रकार जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उस समय जो कानून व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न थी, मतलब इधर उधर थी, कोई सिस्टमेटिक कोई काम नहीं होता। और इतने प्रकार के कानून थे कि कानून करने वाले को ये पता नहीं रहता था कि कौन सा कानून बन रहा है और कौन सा कानून का नियम का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्लिष्ट कानून बने हुए थे। और जब क्रांति हुई थी तो इसकी अराजकता और बढ़ गई थी। नेपोलियन ने इस व्यवस्था को दूर किया और स्वयं नेपोलियन अपनी विधि संहिता को अपने 40 युद्धों से शक्तिशाली मानता था। नेपोलियन ने इस व्यवस्था को दूर करके ये संहिता लाया और ये जो संहिता थी उसको नेपोलियन भी मानता था और अब वह अपने 40 युद्धों से अधिक इसको शक्तिशाली मानता था। इस कोर्ट के द्वारा नेपोलियन ने फ्रांस में सार्वलौकिक कानून व्यवस्था की स्थापना की, मतलब सभी के लिए समान कानून बनाया। इस कोर्ट के द्वारा उसने परिवार के मुखिया का अधिकार मजबूत किया। जैसे कि उसके समय जो होता था लुईस 14-16 के समय कि जो मुखिया की हालत की बहुत बेकार थे और समाज की स्थिति बहुत बेकार थी, तो उसका जो कोर्ट था उसने समाज को एक सिस्टमेटिक ढंग दिया, उसमें मुखिया का अधिकार मजबूत किया। स्त्रियां पुरुष के अधीन रखी गईं। पति का कार्य पति की रक्षा, पति का कार्य पत्नी की रक्षा करना था और स्त्रियां पुरुष के अधीन माना गया। तलाक पद्धति को और कठिन बना दिया गया। सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता दी। उसने समाज में बहुत ज़्यादा सुधार किए। तलाक पद्धति को कठिन बना दिया जाए ताकि कोई बार बार नॉर्मली में करे तलाक ना ले पाए। सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को भी मान्यता दी। नेपोलियन ने इस बात का प्रमाण दिया, ये सब चीज़ें उसने करी, तलाक को वो रखा, महिलाओं को सिविल विवाह को मान्यता दी। तो इससे ये हो गया, नेपोलियन ये बता रहा था ये इन सब के माध्यम से कि हम बिना पादरियों के भी, मतलब पादरियों के सहयोग के बिना भी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, समाज में काम हो सकता है। इसके बावजूद इस विधि संहिता की महत्ता समूचे देश में कानून में एक रूप बनाए रखने के लिए थी। जहाँ जहाँ नेपोलियन की सेना गई वहाँ यह उसकी संहिता लागू हुई। जहाँ जहाँ भी गई वहाँ उसकी ये संहिता लागू हुई। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेपोलियन कोड और फ्रांस की क्रांति के परिणाम। ये हमने दो क्वेश्चन करे, एक 3 मार्कर का भी मैं लेके आऊँगी। इसको विधि इतिहास का मैंने बहुत सारे 3 मार्कर कवर किए अपने नोट्स में। फ्रेंड्स, ये मेरे हार्ड कॉपी के नोट्स हैं, पूरा पैकेज है ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, हैंड रिटन नोट्स हैं और आप इसको परचेज कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक है और मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए हैं, प्रश्नोत्तर शैली में हैं। और इसके साथ साथ आपको ये नोट्स मिलने के साथ साथ आपको पेड ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करवाऊँगी मैं। और अभी मेरे नोट्स प्रिपेयर होने के बाद टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर ग्रुप में 20 तारीख से स्टार्ट होगी। हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये हार्ड कॉपी हैं, ये सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है, आप देख सकते हैं। हार्ड सॉफ्ट कॉपी 5200 रुपये का है और हार्ड कॉपी 85 रुपये का है, तो आप ये देख सकते हैं। फ्रेंड, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, मेरे हाथ हैंड रिटन नोट्स हैं तो मुझे कॉपी कराने में ही बहुत पैसा चला जाता है, इसलिए नोट थोड़ा सा महंगा है। अगर मैं प्रिंट कराती नोट्स तो मुझको बहुत कम में पड़ जाता, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स कम में पड़ता है प्रिंट कराने में कंपेरिजन टू कॉपी। साथ में बाइंडिंग, आपको जो कॉपी मिलेगी बहुत सुंदर तरीके से बाइंडिंग मिलेगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत सुविधा हो। और मैंने खुद बोल के करवाई है कि ताकि आपको खोलने में बहुत आसानी रहे, पढ़ने में बहुत आसानी रहे, बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट की करीब 25-30 फाइल रहेंगी आपकी जो आपके घर तक पहुँचेंगी, तो आप ये मंगवा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। इन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको टेस्ट सीरीज़ चालू की जाएगी, आंसर राइटिंग दिया जाएगा और नए नए आंसर्स दिए जाएंगे नोट्स के अलावा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।